हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जन्माष्टमी पर बहुत लोगों के घर धनिया पंजीरी की रेसिपी बनाई जाती है। सभी मंदिरों और घरों में इसी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पंजीरी रेसिपी। तो इन सब के साथ हम धनिया पंजीरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने लिया हुआ है। इसमें गरी है, मखाने हैं, बादाम है, खसखस, मिश्री, खरबूजे के बीज और पिसा हुआ धनिया। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें एक चम्मच देसी घी लिया है। घी के गर्म होने पर मैं इसमें अब मखाने डालूँगी। आप मखाने डाल के इसे फ्राई करें धीरे धीरे, और जैसे ही लगे कि मखाने थोड़े से फ्राई हो चुके हैं उसके बाद हम इसमें बादाम डालेंगे और उसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब बादाम भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं और अब बारी है खरबूजे के बीज की। सो इसे भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। बादाम और मखानों को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब बारी है किशमिश की। किशमिश को हम अलग से फ्राई करेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। किशमिश भी फ्राई हो चुकी है, फूल चुकी है, इसलिए हम किशमिश को भी बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने अब यहाँ पर लिया है नारियल का बूरा। इसे मैंने घर पर ही कद्दूकस कर लिया है। इसे भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और अब मैंने इसमें खसखस डाल दिया है। कुछ देर इसे भी चला लेते हैं ताकि खसखस भी अच्छे से सिक जाए, और इसके सिकते ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं इसी पैन में डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच देसी घी। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी धनिया पाउडर। इस धनिया पाउडर को मैंने घर पे ही बनाया है, मतलब घर पे ही पीसा है। जो साबुत धनिया आप लेके आते हैं उसे आप घर पे पीस सकते हैं। अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन घर का पिसा हुआ धनिया ज़्यादा ही फ़ायदेमंद, सेहतमंद होता है। सो कोशिश करें इसे घर पर ही पीसें। तो जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगती तब तक हम इसको अच्छी तरह से इसी तरीके से सेकते रहेंगे। तो मैंने इसमें चीनी की जगह पे मिश्री का उपयोग किया है। अगर आप चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से पिसी हुई चीनी भी मिलती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो अब धनिया पाउडर फ्राई हो चुका है और मैंने गैस बंद कर दी है। तो हमने पहले जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे। और अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं इसमें, तो आप और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और उसे अच्छे से इसी तरह से इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धनिया पंजीरी एकदम तैयार हो चुकी है। जन्माष्टमी वाले दिन घरों में, मंदिरों में इसी का भोग लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण जी को। अब आप इसमें ऊपर से इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। अगर आप इलायची के दानों को पीस के डालना चाहते हैं तो पीस के भी डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म में। अगर ऐसे डालना चाहते हैं साबुत, तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी धनिया पंजीरी रेडी हो चुकी है। सो आप इसी तरीके से जन्माष्टमी पर पंजीरी बनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं और ऊपर से थोड़ा सा सजा भी दें ताकि वो देख के खुश हो जाएं। सो चलिए, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कृष्ण भक्त हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलिएगा ताकि वो भी इस तरीके का प्रसाद बना के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकें और अपनी मनोकामना पूरी कर सकें। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।